तो आज आपको इस ब्लॉग में पता चलेगा कि हम कितने कम बजट में अपने सेलिब्रेशन को बेस्ट से बेस्ट कर सकते हैं और क्या क्या मस्ती कर सकते हैं, वो भी कम अमाउंट में। तो इस ब्लॉग को पूरा देखें और जानिए कि क्या क्या फूड आइटम्स और क्या क्या मस्तियाँ हैं और क्या टिकट चार्जेस है, सब कुछ आपको इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जा रहे हैं, सोचो कहाँ, वेल दिख तो गया होगा कि आज हम जा रहे हैं एरोप्लेन में। एरोप्लेन में आज हम करेंगे लंच, डिनर जो भी होगा वो देखते हैं। तो फर्स्ट हमें यहाँ से एंट्री करनी है, अंदर चल के देखते हैं क्या क्या नहीं। सो एडवेंचर लैंड में दो हैं, एक प्लेन के लिए डिनर और लंच का डिफरेंट है और अंदर एडवेंचर लैंड के लिए दूसरा है। और ये यहाँ पे है टिकट काउंटर, रनवे के लिए टिकट काउंटर है, यहाँ से हमने टिकट्स ले ली। अच्छा, हमको से तो हमने यहाँ पे अब टिकट ले लिए। टिकट हमें पर पर्सन 200 का पड़ा है, जो कि हमारा जो अंदर फूड में होगा उसमें वो इंक्लूडेड होगा। और ये देखिए यहाँ पे मेरे बाल इतने उलझ गए थे ना, हवा बहुत तेज चल, बिल्कुल झाड़ू जैसे हो गए मेरे बाल, है ना। हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। और ये देखिए, ये काफी रिलैक्सिंग व्यू था, बहुत ऑसम। जा पूछ क्या। अभी हम यहाँ ऊपर जाएंगे और आपको बताएंगे कि क्या क्या चीजें हैं। हमने टिकट्स लिए 200 की पर पर्सन है से है, और वो आपके फूड्स में भी इंक्लूड हो जाएगा, तो वो हम देखेंगे। ओके, चलो। सो ये प्लेन देखिए, ये बाहर से ये रियल प्लेन है और इसकी एक खास बात है कि जब ये प्लेन बनी थी उसके बाद ये कभी टेक ऑफ हुई ही नहीं। सो इसको रेस्टोरेंट में कन्वर्ट कर दिया। सो अब हम चलते हैं ऊपर और चल के देखते हैं कि कैसा। और ये हमारी हो गई है एंट्री। एंट्री के बाद ये देखिए, ये सबसे बड़ा टेबल है, यानी कि फैमिली टेबल है। और इसके अंदर देखिए बिल्कुल फ़्लाइट वाली फीलिंग आती है। वेल, मैंने कभी तो गई नहीं फ़्लाइट में, बस हाँ इसमें फीलिंग बहुत अमेजिंग आ रही थी। जो यहाँ का डेकोरेशन था, ईच एंड एवरी थिंग, जो भी चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड की गई थी वो एक प्लेन था। तो ये फ्रंट का है जहाँ पे ये कॉकपिट एरिया है। और यहाँ अंदर ये देखिए, यहाँ पे 200 चार्जेस है, बट जिस दिन मैं गई थी अनफॉर्चुनेटली उस दिन बंद था वो, तो मेरा बैड लक था। ये क्या है, तो मस्त लग रहा है ये सीरियसली। सो यहाँ पे जो ओवरऑल जो सर्विसेज थी वो बहुत गुड थी। जो ये जो स्टाफ थे वो काफ़ी पोलाइट थे। और यहाँ पे एक टेडी बेयर था, ये देखिए ये बहुत फनी था। सो यहाँ पे फाइनली मैं पूरा दर्शन करके आ चुकी हूँ। यहाँ आज मेरी फ्रेंड मेरे साथ में ही, उसका आज बर्थडे है तो हमने उसके बर्थडे का एक छोटा सा सेलिब्रेशन भी किया। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। तो यहाँ देखिए हमने क्या क्या चीज़ें ऑर्डर किया था। वर्जिन मोहितो, इसका टेस्ट बहुत यम था, लाइक जैसे हम कैफ़े वगैरह में ऑर्डर करते हैं वो। हमने कोल्ड कॉफ़ी विद आइस ऑर्डर किया था, ये भी बहुत टेस्टी था। फिर हमने ऑर्डर किया था पेरी पेरी फ्राइज़। यार बिना पेरी पेरी के फ्राइज़ का क्या ही मज़ा होता है। बट द गुड थिंग इज़ दैट कि जो हमें इसके साथ जो ये सॉसेज जो हमें दिया था ना, इसका टेस्ट थोड़ा डिफरेंट था, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद हमने ये शेफ़ स्पेशल गार्डन पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, इसका भी प्राइस कुछ ज़्यादा हाई नहीं था और ये बहुत टेस्टी था। फिर हमने मिड में एक बर्गर के ऑर्डर किया था, और बर्गर के साथ हमें मिली थी ये फ्राइज़ फ्री में, वो भी मज़े आ गए। मतलब आई वाज थिंकिंग कि चलो ठीक है बर्गर होगा, बट बर्गर के साथ इन्होंने फ्राइज़ और वो सॉसेस दिया, ये बहुत यम था। तो चलो अब खाते हैं, क्योंकि अब मैं इससे ज़्यादा वेट नहीं कर सकती हूँ। और मुझे सच बताऊँ तो मुझे जो यहाँ का जो प्राइस था ना, जो फूड मेन्यू था वो बहुत अच्छा था, क्योंकि इतने ज़्यादा हाई नहीं थे जैसा कि मैं पहले से सोच रही थी कि यार इतना महंगा होगा इतना महंगा होगा, बट ऐसा कुछ नहीं था। और जो मैंने इसका पिज़्ज़ा ट्राई किया था, वो पिज़्ज़ा में जो टॉपिंग्स थी ना वो बहुत अच्छी थी, चीज़ वगैरह सब कुछ बहुत बढ़िया से डला था, और इसका टेस्ट भी बहुत यम था। और मैंने मोहितो, वर्जिन मोहितो ऑर्डर किया था,
और इसका भी टेस्ट, मतलब इसमें एक चीज़ कुछ डिफरेंट सा था जिसको मुझे समझ नहीं आया, बट इसका जो रिग्रेट नहीं होगा ऑर्डर करने के बाद। प्यारी समझ गई। उसके बाद हमने किया थोड़े से फोटो सेशन एंड देन अब हम जा रहे हैं। बट यहाँ पे ना बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए भी बुकिंग की जाती है, जिसके लिए आपको पहले बुकिंग यानी कि 2 से 3 दिन पहले, जिसका 1599 रुपीज़ का चार्जेस है और आप वो कर सकते हैं। और ये मेरी फ्रेंड का हुआ है बर्थडे सेलिब्रेशन, मैंने उसे यहाँ पर फ्लावर और एक छोटा सा गिफ्ट दिया, जो होप उसे पसंद आया होगा। तो ये देखिए यहाँ पे ये बर्थडे का डेकोरेशन था, ये डेकोरेशन बहुत ऑसम था, फ्लावर्स बलून ईच एंड एवरीथिंग। वाओ यार, एक बार ज़रूर जाए, मतलब आई मीन अफोर्डेबल है, अच्छा है, टेस्ट फूड का बहुत यम था, तो वर्थ इट है पूरा। अरे इसका डांस भी कैसे बोल सकते, इतना मस्त डांस है यार, माइंड बिल्कुल फ्रेश हो गया। सो मैं जो गई थी मैं 4 o'clock गई थी, सो दैट कि मुझे डे और नाइट दोनों का व्यू मिल गया था, और यहाँ पे बुकिंग भी होती है। ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, फूड आइटम्स बहुत अच्छे थे और जो पूरा एनवायरनमेंट था वो भी बहुत अच्छा था, तो हमने बहुत इंजॉय किया। वो आपने देखा ही वीडियो में कितना ज़्यादा इंजॉय किया था, तो एक बार ज़रूर विजिट करें। बहुत अच्छा था, हमने बहुत सारे फूड आइटम्स ट्राई किए, टेस्ट वाइज बहुत ही यम्मी था और प्राइस वाइज भी बहुत वर्थी था, आपको बिल्कुल भी लॉस नहीं होगा। तो जब कभी भी हो प्लान बने तो एक बार ज़रूर विजिट करें, काफ़ी इंजॉयमेंट किया है। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।